अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से 100 एकड़ की लैंड एलोकेट की गई थी न्यू हाईकोर्ट के लिए, जिसमें से 30 से 40 एकड़ जमीन ऐसी थी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन थी। एबीवीपी के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये नॉर्मल स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस की जानिब से इस लड़की को जो भाग रही थी बाल से पकड़ा गया, इसी वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं इस तरह से नहीं पकड़ना चाहिए और वीडियोज बनाकर डाल रहे हैं। इदेना फ्रेंडली पॉलिसिंग अंटे। लोगों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से यह सवाल किया, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या यही इंदिरा अम्मा राज है? महाराष्ट्र के मीरा रोड का कल हमने आपको वीडियो बताया था किस तरह से वहां पे बुलडोजर चला था, अब देखिए दूसरी जगह भी बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। मुंबई के एयर इंडिया कॉलोनी के ये लोग है, इनके घरों के ऊपर अभी बुलडोजर चल रहा है और 1600 फैमिलीज इससे अफेक्ट होने वाले हैं। अभी ये जमीन अडानी ग्रुप की हो चुकी है क्योंकि एयर इंडिया का और अडानी ग्रुप का एक एग्रीमेंट हुआ था, और अभी ये जमीन जो अडानी ग्रुप की हो चुकी है यहाँ पे लोगों के घरों को टूटते हुए किस तरह से देख रहे थे, यहाँ पे आप मंजर देख सकते हैं। कई महीनों से मेहंदीपट्टनम के स्काई वॉक का काम रुका हुआ था क्योंकि डिफेंस की लैंड में से वो स्काई वॉक जा रहा था। अभी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने ये जमीन दे दी है, लेकिन ये जमीन फ्री में नहीं मिली है, जिसके बदले में गवर्नमेंट देने वाली है 15.15 करोड़ रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री को, और 3400 गज के करीब जो जमीन मिली है उसकी लाइसेंस फी भी देगी आने वाले 10 साल तक। आने वाले 4 हफ्तों में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को यह जमीन मिल जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, मोहम्मद अली शब्बीर को एक पोस्ट मिली थी एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट की, मिलने के बाद समय पहले इन्होंने आवाम के फायदे की बात कर दी है। जो 4000 करोड़ का मैनिफेस्टो में वादा किया गया था उससे मुताबिक क्या कहा इन्होंने यहाँ पे आप सुन सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब ने मुझे एडवाइजर टू तेलंगाना सरकार बनाए, आज 4 चेयरमैनों के साथ एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी 4 चेयरमैनों को साथ में लेकर उनके साथ हमने मशवरा किया है कि बजट के अंदर हम कितना वादा किए थे, माइनॉरिटी पे कितना बजट एससी एसटी बीसी का, वो तमाम गुफ्तगू की है। और मैं कल या परसों चार्ज लेने के बाद तमाम सेक्रेटरीज को बुलाऊंगा जो डिपार्टमेंट के, हमारे चेयरमैनों के साथ हम सब मिलकर बैठेंगे, और पार्टी हुकूमत अलग नहीं है, दोनों मिलके है, और ये आवाम के उमंगों को पूरा करने के लिए पार्टी ने जो वादा किया था हुकूमत का काम है पूरा कर, और जो उम्मीदें पब्लिक हमारे से रखी थी कि भाई कांग्रेस आए तो हमको ये मिलेगा, जो सोचे 6 गारंटीज हैं हमारे और हमारे मंशूर में हम जो वादे किए थे हम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बजट की तैयारी में लगे हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो ऑल इन वन बुक्स बांटी जा रही है वो सिर्फ हैदराबाद के हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अजला में भी मजलिस की जानिब से ये किताब बांटी जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए माजिद हुसैन आज गवर्नमेंट जिला परिषद स्कूल जो कि वनपर्ती के अंदर है और एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडल पेपर बांटा। तो आप लोग क्या राय, इससे मुताबिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।